A very good morning everyone. Again with a very simple topic and the name of the topic is properties of indifference curve. aaj hum indifference curve ki properties karenge जो कि बहुत simple है। सबसे पहली बात तो मुझे properties का meaning बताएँगे कि properties word का meaning होता क्या है? Property word का meaning होता है characteristics कि क्या characteristics है इसकी या ये जो आईसी है वो किन एजम्शंस के ऊपर बेस्ड है ठीक है तो प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से एजम्पन्स तो फर्स्ट इज जो आईसी कर्व है आईसी दैट इज लेफ्ट डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसका जो स्लोप है इट्स स्लोप डाउनवर्ड डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अब ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट का मीनिंग क्या है देखने में ही ये बहुत सिंपल है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अब ये लेफ्ट टू राइट क्या है उस पर ध्यान देंगे ये देखिए डायग्राम एक ही है यही बार बार रिपीट होना है इसमें और कुछ नहीं होना ओ एक्स वाई यहां पे आपकी गुड वाई है यहाँ पर आपकी गुड एक्स है गुड वाई गुड एक्स ओके नाउ सी ये आपका डायग्राम है आपको पता है ये 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 लेफ्ट साइड साइड होती होती है right होती है राइट अब, मैंने, ऐसे। अब ये ये है right है? है। मैंने यहां से आया ऐसे, ऐसे तो नहीं ना जी मैंने यहां से स्टार्ट करके ऐसे लेके गई हो तो आईसी कर्व स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और उसका स्लोप कैसा है डाउनवर्ड तो ये तो डायग्रामेटिक था अब ऐसा ये क्यों होता है इसका रीजन क्या है तो इसका रीजन ये है क्योंकि जो कंज्यूमर है आईसी में कंज्यूमर है जो कंज्यूमर है ही इज रेडी टू सेक्रीफाइस गुड वाई वो वाई को सेक्रीफाइस करने को रेडी है एक्स को गेन करने के लिए अगर उसको एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है तो उसको वाई को सेक्रीफाइस करना होगा ये जो ग्राफ है इस ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करते हैं जो कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं इन कॉम्बिनेशन में आपको पता चलेगा कि उसने कितना वाई सेक्रीफाइस किया है और कितना एक्स गेन किया है क्लियर सो दैट इज वाई आईसी कर्व डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर है नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर टू है जो आईसी की शेप है वो कॉन्वेक्स है आईसी की शेप कॉन्वेक्स है अब कॉन्वेक्स क्यों है ये शेप कॉन्वेक्स होने का रीजन है क्योंकि जो आईसी है ना वो है डिक्रीजिंग एम के ऊपर बेस्ड जो आईसी का कर्व है इसकी शेप एम है अब एम क्या है और उसका शेड्यूल क्या है इसके लिए आप पहले वाली यूनिट पहले वाले जो इससे पहले वाली वीडियो है उसे देख सकते हैं कि एम मैंने कैसे निकाली और एम क्या होती है तो ये जो एम आर एस ये डिक्रीजिंग क्यों है ये मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ एम आर एस क्यों है या डिक्रीजिंग क्यों है रीजन क्या है इसका रीजन बहुत सिंपल सा है रीजन ये है देखिए यहाँ पर उसके पास वाई की क्वांटिटी ज्यादा थी जिस चीज की क्वांटिटी ज्यादा होती है उसकी वैल्यू उसके लिए डाउन होती है तो वो ज्यादा गुड सेक्रीफाइस करने को रेडी रहता है यहाँ पर जो एम आर एस है वो मार्जिनल यूटिलिटी वाले चैप्टर के साथ कनेक्टेड है मैंने आपसे पहले भी कहा था

क्वांटिटी ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू उसके लिए कम होती है उसको वो ज्यादा सेक्रीफाइस करने को रेडी होता है तभी आपकी एम डिक्रीज होती हुई आई है जब उस गुड्स की क्वांटिटी कम हो जाती है तो धीरे धीरे वो उस गुड की क्वांटिटी को कम सेक्रीफाइस करता है ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करता क्यों नहीं करता क्योंकि अब वो गुड ऑलरेडी कम हो चुकी है और जो कम हो गई है उसकी वैल्यू उसके लिए ज्यादा है तो एम डिक्रीज होती हुई आई है तो ये आपकी हो गई सेकेंड पॉइंट पॉइंट नंबर थ्री हायर आई सी रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी हायर इंडिफरेंस का देखो यहाँ पर अब आप मैं आपको दिखा रही हूँ आपके पास ना तीन आईसी है आईसी वन आई सी टू आईसी थ्री ठीक है नाम रख रहे हैं इनके आईसी वन आई सी टू आई सी थ्री अब अगर आप ध्यान दें तो आई सी वन पे आईसी आई सी टू पे आईसी वन के कंपेरेटिवली गुड ज्यादा मिलेंगी आईसी थ्री पर आईसी टू के कंपैरेटिवली गुड ज्यादा मिलेंगी तो आई सी जितना ज्यादा हाई होगा वहां पर गुड्स की क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी और जितनी ज्यादा गुड की क्वांटिटी मिलेगी उसको उतना ही वो ज्यादा सेटिस्फाई होगा सो दिस वन वाज प्रॉपर्टी नंबर थ्री सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे इन पॉइंट्स के नाम लिख सकते हैं नाम लिख के इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट पॉइंट ए ऑन आईसी वन is providing less utility, less goods to the consumer comparative to point B on IC2, ठीक है तो ऐसे ही same as it is point C. Now the property number फोर प्रॉपर्टी नंबर फोर ये क्वेश्चन आपको इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी आपको अलग से भी आ सकती है ऐसा नहीं है कि आपको पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देगा एक्सप्लेन द प्रोपर्टीज ऑफ आई वो कोई भी प्रॉपर्टी आपसे इंडिविजुअल पेपर में पूछेगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो टू आईसीज़ होते हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करते टू टू इंडिफरेंस कर्व के नॉट क्रॉस ईच अदर जो टू आईसीज़ हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते अब क्यों नहीं करते इसका रीजन देखेंगे ध्यान से समझेंगे ये देखो ये आईसी वन है ठीक है ये आईसी टू है ओके okay? इस पॉइंट का नाम रखा मैंने ई e, ए B, C, D, ठीक इसके दो, दो रीजन से आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि वाई टू आई सी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर रीजन बताइए तो ये इस क्वेश्चन में आप ये डायग्राम बनाएंगे पहले तो मतलब कट करके बताएंगे उसके बाद बताएंगे क्यों कट नहीं कर सकते तो आई सी वन के पॉइंट्स बताइए मुझे कौन कौन से यू ऑल कैन सी कौन कौन से पॉइंट्स हैं डी ई एंड बी ओके थ्री पॉइंट से मैं साइड में लिख रही हूं देर आर थ्री पॉइंट लाइन ऑन आईसी वन डी एंड बी राइट सी एंड ए अब मैं आपको दो आंसर्स दे रही हूँ एक तो मैथमेटिकल जो आपको समझ में आए एक थियोरेटिकल दोनों ही में से आपको समझ में आ जाएंगे नॉट सो डिफिकल्ट फर्स्ट वन हमने स्टार्टिंग से आईसी के बारे में एक बात पढ़ी है कि जो आईसी पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इट मींस पॉइंट डी पॉइंट ई पॉइंट बी तीनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं पॉइंट सी पॉइंट ई पॉइंट ए अगेन तीनों सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं तो दैट मीन्स जब सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ई का है ई दैट मीन्स डी इज इक्वल टू ई ई इज इक्वल टू बी डी ई बी तीनों इक्वल है यू ऑल एग्री मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो C, E, A तीनों इक्वल है तो वेन E इज इक्वल टू B, E इज इक्वल टू A, E और B इक्वल है E और A इक्वल है दोनों इक्वल है तो A शुड बी इक्वल टू B, A और B भी इक्वल होने चाहिए बट A इज ग्रेटर देन B, A इज ग्रेटर देन B, A इज नॉट इक्वल टू बी तो जब ए बी के इक्वल नहीं है ए ग्रेटर देन बी है दैट इज वाई टू आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट इच अदर एक तो ये रीजन हो गया इसमें मैथमेटिकल दूसरा रीजन हम इसमें क्या दे सकते हैं मैंने अभी आपको बताया कि टू आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते आप यहां देखो कि आई सी टू ये हायर है ये हायर सेटिस्फेक्शन दे रहा है हायर गुड्स को शो कर रहा है यहां पर आई सी टू है ए इज ग्रेटर देन बी ई पॉइंट ई e जो है वो आईसी वन और आईसी टू दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो ई e पॉइंट है क्या ये हायर है देन आई सी वन नो तो एक सेम पॉइंट दो आई सी को रिप्रेजेंट कैसे कर सकता है और एक सेम पॉइंट पर दोनों आईसी कैसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं टू आई सी कभी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते जो हायर होगा वो ज्यादा देगा ठीक है तो ये रीजन है कि जो ICs होते हैं टू वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते तो फोर प्रॉपर्टीज क्लियर है प्रॉपर्टी देखेंगे जो होता है वो किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता, किसी भी भी को को नहीं करता यहाँ पर आपको दोनों ही एक्सिस को टच करा के फिर आपने कहना है कि आईसी किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता ये कौन सा एक्सिस टच किया उसने वाई ठीक है वैसे एक और बनाएंगे ये कौन सा एक्सिस टच किया उसने एक्स तो यहां पर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वहां पर वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है आपने टच करवा के फिर लिखना है कि आईसी एक्स किसी भी एक्सिस को टच नहीं करता रीजन क्या है आईसी के किसी भी एक्सिस को टच ना करने का रीजन ये है कंज्यूमर इज रेशनल एंड ही वोट क्वांटिटी ऑफ बोथ गुड्स उसको दोनों ही गुड्स की क्वांटिटी चाहिए वो किसी भी गुड की क्वांटिटी को जीरो नहीं कर सकता इफ IC touches Y axis, that means quantity of X will be zero. अगर Y को touch करता है तो X की quantity zero हो जाती है no doubt Y की higher रहेगी और X की zero हो जाएगी And if IC touches X axis, no doubt that the quantity of Y will be zero.

देर आर टोटल फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी जो कि आपको अच्छे से लर्न करनी है क्लियर आई होप सो आपको क्लियर होगी होंगी ये प्रॉपर्टीज ओके okay, बच्चा फाइन